मैं हैरान हूं, जैसे जैसे चुनाव का एक एक चरण पूरा होता जाता है, महास्वार्थ बंधन की परेशानी बढ़ती जाती है। पहले वो इतनी गाली देते थे तो तीन चरण के बाद इतनी गालियां देते हैं, पहले इतना झूठा आरोप लगाते थे तो तीन चरण के बाद इतना झूठा आरोप लगा रहे हैं, पहले दो हाथ से कीचड़ उछालते थे, अब जो भी साधन मिले उसका उपयोग करते हुए कीचड़ उछाड़ने में लगे हुए हैं। नीतीश बाबू, लालू जी, आप लिख करके रखो, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। चुनाव में अपने काम का हिसाब दें। मुझे बताइए भैया, चुनाव में सरकारों ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हिसाब देना चाहिए ना, पल पल का हिसाब देना चाहिए, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए। जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होगा और मैं जब उस समय आपसे लोकसभा के लिए वोट मांगने आऊंगा तो मुझे दिल्ली सरकार के काम का हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पल पल के काम का हिसाब देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? और अगर मानो कोई काम छूट गया, रह गया कठिनाई के कारण, तो मुझे जनता को बताना पड़ेगा ना कि भाई ये दो काम रह गए, ये छूट गया है, कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? मेरा अहंकार चल सकता है क्या? मेरा झूठ चल सकता है क्या? लोगों की आंख में धूल झोंकने का पाप चल सकता है क्या? ये लोकतंत्र है, ये खेल नहीं चल सकता। नीतीश बाबू हमें कहते हैं कि मोदी तो बाहरी है, बाहरी है। मैं जरा पूछना चाहता हूं जी, क्या मैं बिहार का, जो भारत का एक अंग है, एक सामर्थ्यवान अंग है, जिस बिहार के लोगों ने वोट देकर के मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, वो बाहरी हो सकता है क्या? क्या मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हूं क्या? क्या मैं बांग्लादेश का प्रधानमंत्री हूं क्या? क्या मैं श्रीलंका का प्रधानमंत्री हूं क्या? मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं कि नहीं हूं? बिहार हिंदुस्तान में है कि नहीं है? ये कह रहे बाहरी है। मैं जरा नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, मैडम सोनिया जी भी दिल्ली में रहती है, उनको आप क्या कहोगे, बाहरी कहते हो कि बिहारी कहते हो? नहीं, जरा जवाब दो, बाहरी कहते हो कि बिहारी कहते हो?